आज हम बनाएंगे आलू का मिनी पराठा, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये इस तरीके से अगर बनाएंगे तो छोटे छोटे पूड़ियाँ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी, और बहुत ही कम समय लगेगा इसे बनाने में। और बहुत ही सॉफ्ट और नरम ये बनता है और इसे ज़्यादा ही झंझट नहीं लगता इसे बनाने में। मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट सा हमारा पूड़ी बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी भी बनाएंगे। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई में तेल ले लिए हैं, उसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च कटे हुए। इसे भूनने के बाद हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू, ये हमने मैश कर रखा है। इसको सारे डाल देने के बाद आलूओं को, उसके बाद हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, ये हमारा सब्जी मसाला है जैसे गरम मसाला, और धनिया जीरा पाउडर, और साथ में डाल देंगे धनिया की पत्ती, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक भी ऐड कर देना है। और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है। आलू को स्टफिंग बनाने के लिए हमें 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेना है लो टू मीडियम पे। तो ये देखिए हमारा स्टफिंग रेडी है, और मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने गेहूं का आटे लिए हैं, आप चाहे तो मैदे का आटे से बना सकते हो। उसमें थोड़ा सा हमने नमक ही डाला है और उसे अच्छे से मिला के हमें आटे का डो रेडी कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा है। अब मैं देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा आटे लेकर छोटी छोटी जिस तरीके से पूड़ियाँ बनाते हैं उस तरीके से थोड़ा सा बड़ा साइज का लोई लेंगे। उसे हमें सूखे आटे में डाल के इस तरीके से हमें बना लेना है। ऊपर से थोड़ा सा चम्मच से की सहायता से हमें आलू की स्टफिंग इसमें भर देना है, और पूड़ियों को इस तरीके से कवर करके हमें गोल सा एकदम छोटा सा पूड़ी बना के रेडी कर लेना है थोड़ा सा आटा रेस्ट करके। तो ये देखिए हल्के हाथे से इसे बेलिएगा वरना फट सकता है। तो मैंने बिल्कुल हल्का हाथ से बेला है। एक आपको मैं और करके भी बता देती हूँ सेम तरीके से। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आप आराम से इसको कवर कर दीजिए, उसके बाद इसे सूखा आटा लगा करके इसे बेल लीजिए। बिल्कुल ये रेडी है। इस तरीके से सारा रेडी करने के बाद तुरंत तवा को हम गर्म करने के लिए रख दिए हैं। तवा गर्म होते ही इस पर हमें उलट पलट के बस हल्का सा सेक लेना है, और एक और हमें रख लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाल देंगे, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए पहले इधर मैंने आपको रोटी सेक के पूड़ी सेक के दिखा रही हूँ ऐसे तवे पे। ऐसे अगर आप बनाइएगा तो साथ में एक तरफ तवा और एक तरफ आप ऑयल रख दीजिएगा, जिससे कि आप तुरंत ही आप गर्मा गर्म तेल में पूड़ी छान सकते हैं। तो ये देखिए मेरा सारा रेडी है और तेल हमारा गर्म ही है। अब हम इसमें पूड़ियाँ एक एक डालते जाएंगे। ये सिर्फ 2 मिनट में तुरंत पूड़ियाँ बनके आपकी रेडी हो जाएगी, एकदम फूली फूली हमारी पूड़ियाँ बनेंगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइम नहीं लगता इस तरीके से बनाएंगे तो, एक बार में बहुत सारी पूड़ियाँ बना सकते हैं जल्दी से। ये देखिए 2 मिनट लगता है सिर्फ इस तरीके से बनाने में। तो हमें इस तरीके से बाकी के भी पूड़ियाँ हम तल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पूड़ियाँ बन के रेडी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस आलू छोटी मिनी पराठा को। आप ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बना है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।